जोहार, नमस्कार। इस वैश्विक महामारी कोविड-19 इसने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है। एक खत्म नहीं होता है आफत, तब तक दूसरा आफत सामने आ जाता है। एक से अभी मुक्ति नहीं पाए थे फर्स्ट वेव से, सेकेंड वेव ने पूरी दुनिया को, खास करके हिंदुस्तान को और जहां हमें झारखंड को, रांची को लपेट लिया। जो भी संवेदनशील सेक्टर्स हैं, संस्थाएं हैं, वो सब लोग अपने को किसी न किसी रूप में इससे जोड़ करके इस महामारी से पीड़ित लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हैं। और उसमें झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी, झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार की भूमिका झारखंड के मामले में बहुत ज़्यादा है। आरंभ से ही झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार बहुत सारे मामलों में, जहाँ लोगों की कोर्ट तक पहुँच नहीं थी, पहुँच दिलाने में लोगों को कोर्ट पहुँच करके अपने लिए विधिक सहायता प्राप्त करने में, बहुत सारे चीज़ों में इन्वॉल्व रही है, मदद करती रही है। जो लोग सरकारी स्कीम, जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जो उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उनको जोड़ने में भूमिका निभाते रहे। लेकिन ये जो सेकेंड वेव आया, जो दूसरा तरंग आया कोरोना का, उस वेव में इन लोगों ने कमाल का काम किया, जिसके बारे में जुडिशियरी से तो कम से कम ऐसे नहीं सोचा जा सकता। जुडिशियरी काम तो फैसला सुनाना है, जो मामले अदालत में आएंगे उस अदालत को फैसला देना है। लेकिन लोगों के साथ जुड़ करके लोगों को दवा देना, उनका टेस्ट कराना, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना, वहाँ देखना कि वहाँ क्या हो रहा है, जो बच्चे अनाथ हो गए, बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने की है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ झालसा के अध्यक्ष और झारखंड हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस, जस्टिस अपरेश कुमार सिंह जी साथ में हैं। स्वागत है आपका, नमस्कार। एक तो ये जो वैश्विक महामारी है, उस महामारी में झालसा ने और ख़ास करके हाई कोर्ट ने कैसे क्या भूमिका निभाई, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। सबसे पहले तो मैं स्टेट नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 जी, उसके बारे में थोड़ा बता के तब मैं विषय वस्तु पे आना चाहता हूँ। ये पार्लियामेंट का एक लेजिस्लेशन है 1987 का जी, जिसमें आर्टिकल 39A के तहत फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया। वो इंस्टीट्यूशन केंद्र स्तर पे है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, और स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, फिर डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, और कहीं कहीं पे सब डिविजनल लेवल पे सब डिविजनल या तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी है। तो ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का काम बेसिकली लीगल सर्विसेज जो है, और जो लोग इनके बेनिफिशियरी हैं, उनका भी एक परिभाषा दिया हुआ है एक्ट में, सेक्शन 12 में, जो लोग इनके बेनिफिशियरी हैं उनको हम लोग को मदद पहुंचाना लीगल सर्विसेज के थ्रू से विभिन्न तरीकों से, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट के सेक्शन 12C में महिला या चाइल्ड, मतलब किसी बच्चे को लीगल सर्विसेज देने का है, और 0 to 18 जी, और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के सेक्शन 12E के तहत डिज़ास्टर के विक्टिम को भी ये लीगल सर्विसेज देना है। तो ये कोरोना पैंडेमिक, जैसा आप सब जानते हैं, इसे एक डिज़ास्टर डिक्लेयर किया गया है, और ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 का, उसके तहत इसमें लास्ट ईयर से जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी आदेश हो रहे हैं केंद्र स्तर पे या राज्य स्तर पे, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हो रहे हैं। तो हमारा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इस डिज़ास्टर के अंतर्गत जो विक्टिम्स हैं उनको हेल्प करने के लिए, ये खास करके फर्स्ट वेव में हम लोगों ने बहुत काम किया है अलग अलग स्कीम के तहत, और सेकेंड वेव में हम लोगों ने शुरुआत में ही एक कंसेप्ट पर वर्क किया, जिसको हम लोगों ने वॉर रूम का नाम दिया जी। और ये हर एक जिला में, हर एक
जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो है उसके अंतर्गत जो उनकी टीम है वहाँ पर एक वॉर रूम बनाया गया, और वॉर रूम इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन है। उसमें हमारे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, सेक्रेटरी होते हैं जो सीनियर डिवीज़न के ऑफिसर होते हैं, जुडिशल ऑफिसर, हमारे पैरा लीगल वॉलेंटियर होते हैं। इनके अलावा हम लोगों ने सरकार को और जिला स्तर पे जिला प्रशासन को रिक्वेस्ट किया और उन लोगों ने हमें मेडिकल ट्रेंड डॉक्टर्स की सुविधा प्रदान की और मेडिकल किट वगैरह दिया और भी हमें सहयोग दिया ताकि हम जो लोग ये कोरोना पैंडेमिक से ग्रसित हैं या जिनके परिवार को ज़रूरत है उनको फिर हम लोगों ने रीच आउट करके और ये सुविधा दी। हमारे सारे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का हेल्पलाइन नंबर है, वो सुबह से लेकर रात तक वो ऑपरेट करता है। कैसे ये फंक्शन करता है ये जानना ज़रूरी है, जो लाभुक हो सकते हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है कि वार रूम फंक्शन कैसे करता है और किसी को अगर वहाँ पहुँचना है तो कैसे वहाँ पहुँचे, कैसे। हाँ, वही मैं बताने जा रहा था कि ये हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा पेपर के माध्यम से, अन्य प्रचार माध्यम से प्रचारित किया गया है और ज़िला में लोग बहुत बड़ी संख्या में, हर ज़िला में लोग फ़ोन पे लीगल सर्विसेज को अप्रोच कर रहे हैं, लोगों को लीगल मेडिकल एडवाइस दिया जा रहा है टेलीमेडिसिन के थ्रू से। जब डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि इनको ये इलाज की ज़रूरत है तो वो जो मेडिकल किट है जो हमें जिला प्रशासन के तरफ से और जो यहाँ स्वास्थ्य विभाग के तरफ से एक प्रेस्क्राइब मेडिसिन का एक किट होता है जिसमें कई तरह की चीज़, मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र भी रहते हैं, वो इन लोगों को फिर हम लोग डोर टू डोर जा कर के पहुँचाते हैं अपने पैरालीगल वॉलेंटियर के थ्रू से। जिसको और भी किसी तरह की ज़रूरत है, किन्हीं को ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत है, किन्हीं को हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है, किन्हीं को खाने पीने की चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है या मास्क सैनिटाइज़र की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये वॉर रूम के तहत जो है सो हम लोगों ने बहुत लोगों की मदद की। इसमें संसाधन और हैंड, ये दो चीज़ें हैं, वो कैसे आपने प्रोक्योर किया ये संसाधन और हैंड? ये जैसा मैंने अभी तुरंत कहा कि हमारी अपनी एक लीगली ट्रेंड टीम है जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज चेयरमैन होते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के और सेक्रेटरी होते हैं सीनियर डिवीज़न के जुडिशल ऑफिसर, उनके साथ साथ हमारे पैरा लीगल वॉलेंटियर्स रहते हैं और पैरा लीगल वॉलेंटियर की रीच जो है सो गांव-गांव पंचायत तक होती है, हॉस्पिटल में भी उनकी हम लोग डिप्यूटेशन करते हैं। तो ये हमारी इनिशियल टीम है और इसके साथ फिर हमको जिला प्रशासन से सहयोग मिला कि वहाँ के डॉक्टर कई जगह में उन्होंने पैरामेडिक्स का भी डिप्यूटेशन कर दिया, वो भी अपना समय देते हैं, या तो फिज़िकली वहीं पर आ करके देते हैं या वो उपलब्ध रहते हैं, जैसे ही फ़ोन कॉल आती है तो उनको फिर फ़ोन से कनेक्ट कर दिया जाता है उस कोरोना के पेशेंट या उनके परिवार से और फिर वो सारी उनकी कंडीशन सुन करके जो एडवाइस करते हैं फिर उस पर हम लोग दवा देते हैं। एक सिंप्लीफाई थोड़ा सा और करें इसको, मान लिया जाए कि चियाकी में कोई पेशेंट है, वो संपर्क किया, उसको मेडिकल एडवाइस भी चाहिए और किट भी चाहिए, तो वो कैसे कनेक्ट होगा आपके साथ? एक तो बताया आपने कि पैरालीगल वॉलंटियर हैं उनके माध्यम से होगा, पैरालीगल वॉलंटियर खुद खोजने जाएंगे या वो पैरालीगल वॉलंटियर खोजेगा, वो कैसे आपके पास पहुंच बनाएगा? ये पहली पहुंच तो वो हेल्पलाइन नंबर के थ्रू से होती है। इसके अलावा पैरालीगल वॉलंटियर चूंकि हमारे पंचायत भवनों में ये नंबर्स डाले गए हैं क्या कि हाँ ये पंचायत भवन में अभी ये नंबर नहीं डाले गए हैं, लेकिन पंचायत लेवल पर भी कई जिला में हम लोगों ने पैरालीगल वॉलंटियर का स्पेसिफिकली इस कोरोना के चलते डेपुटेशन किया। जी जी। और वहाँ पे पंचायत में जो लोग उस पंचायत के अंतर्गत गांव के लोग हैं वो लोग पंचायत लेवल से उनको अप्रोच करके फिर यही माध्यम से उनको भी वो दिया हुआ है फैबलेट जिसमें कि सिम लगा हुआ है, उस पर वो बात कर सकते हैं, उस पर वीडियो कॉल भी हो सकती है और उससे फिर वो डॉक्टर से संपर्क करके उनको जो भी एडवाइस है वो कर सकते हैं। कई दफ़ा उनके पास ऑक्सीमीटर वगैरह हम लोग के पास उपलब्ध है, वो डॉक्टर के एडवाइस पर फिर ऑक्सीमीटर ले जाते हैं, किसी को आना संभव नहीं हो तो उनकी ऑक्सीजन लेवल को भी वहाँ देख करके फिर वो डॉक्टर साहब को दिखा देते हैं कि यही देखिए इनका ऑक्सीजन लेवल। तो इस तरह से रीच आउट किया जा रहा है और जितने लोग कहीं ना कहीं से सुन करके हमें फीडबैक मिलता रहता है कि प्रचार और पेपर के माध्यम से तो बहुत ये हुआ है, लेकिन कई बार
लोगों के मुंह से सुन करके कि हमें इसका फ़ायदा मिला है, फिर दूसरे जिला के लोग फ़ोन कर रहे हैं, फिर उस जिला के कोई उनके संबंधी हैं उनको पता चला तो वो उस जिला में कर रहे हैं, और हम लोग बीच बीच में ये पेपर में भी उनका हेल्पलाइन नंबर वगैरह निकालते रहते हैं। हाँ, एक चीज़ की ये महामारी जो है इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा पीड़ित हुए हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा पीड़ित हुए मतलब कि माँ बाप को खो दिया, उस तरह के बच्चों के लिए जिनका कोई नहीं रह गया, जो रह गया वो अपने इतना गरीब है कि उसको केयर करने की स्थिति खुद की नहीं है, अपने बच्चों को केयर करने की स्थिति नहीं, अपने परेशान पे, इस तरह के बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम है क्या? जी, आपने सही ये प्रश्न किया, और बल्कि मैं आपको आज बताऊं कि अभी जस्ट आधे घंटे पहले हम लोगों ने एक झालसा के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट शिशु लॉन्च किया है, और सारे जिला के चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और उनके सेक्रेटरीज ये हमारे साथ अभी वर्चुअल मीट में ज्वाइन किए हुए थे, और ये यही प्रोजेक्ट है जी। इस पर ये प्रोजेक्ट शिशु जो है ये अभी हम लोगों ने जस्ट लॉन्च किया है जी। और इसी के अंतर्गत इस पर हम लोग करीब 2 हफ्ते से काम कर रहे थे, और बहुत सारी जानकारी है इसमें, प्रक्रिया दी हुई है कि कैसे वैसे ऑर्फन बच्चों को पहुंचा जाए, उनकी मदद कैसे की जाए, उनको पहचाना कैसे जाए, और ये प्रोजेक्ट के माध्यम से फिर हमारी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हर ज़िले में तालुक लेवल तक, पंचायत लेवल तक बच्चों को आइडेंटिफाई करने में सबसे पहले मदद करेगी, उसमें भी उन लोगों का विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी या डिस्ट्रिक्ट लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी या ब्लॉक लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, इन लोगों के माध्यम से बच्चे की आइडेंटिफिकेशन होगी। हॉस्पिटल में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि किन्हीं के पेरेंट्स वहाँ एडमिट हुए हैं और उनका देहांत हो गया है, तो वहाँ से भी ये जानकारी मिल सकती है। फिर कई बच्चे अनाथ होकर के कोई या तो सिविल सोसाइटी के या पुलिस के माध्यम से जो पहुँचाए जा रहे हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए पेपर के माध्यम से उनका फ़ोटो छपवा करके, और किसी को भी, कोई इंडिविजुअल, कोई भी सिविल सोसाइटी के मेंबर जिनको भी इस तरह से ऑर्फन हुए चिल्ड्रन के बारे में पता चल रही है, उनकी ये जिम्मेवारी है कि वो तो इस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास ले जाएं, या चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस जो हैं सरकार के जगह जगह पर होम्स बने हुए हैं वहाँ ले जाएं, या हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप फ़ोन करके, इस प्रोजेक्ट में सारा दिया हुआ भी है नंबर सब, उस पर आप सूचना दें, और फिर हमारे लीगल सर्विसेज वाले लोग उस बच्चे की पूरी देखभाल करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, और जिला प्रशासन और जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार का जो भी बेनिफिट है उसके तहत उनको सुविधा पहुंचाई जाएगी और उसका फॉलोअप किया जाएगा। उसमें जो बच्चे हैं उनके लिए 3-4 चीज़ें मेरी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। एक तो जहाँ हैं वो वहाँ रहेंगे या कहीं और ले जाए जाएंगे जी, तो गार्जियनशिप कहाँ कैसे मिलेगा। दूसरा सवाल उसी के साथ जुड़ता है कि वो जो बच्चे हैं उन बच्चों में बहुत सारे लोग कोविड से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, हो सकता है कि वो भी संक्रमित हो गए हों। तीसरा ये कि उनकी जो संपत्ति है, माँ बाप तो अनाथ हो गए, तो यहाँ अपने यहाँ जो CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, उसके अलग प्रॉब्लम्स हैं, उसका बाद में टेकल होता रहेगा। तो जो गार्जियनशिप चाहिए फिलहाल, हॉस्टल में अगर आप भेज देते हैं फिर गार्जियनशिप किसका रहेगा, कौन उसको डील करेगा? डालसा ही देखेगा, ये क्या नाम है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी देखेगी, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन मॉनिटर करेंगे, और दूसरे चिन्हित करने के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी संस्थाएं, हमको लगता है कि हर पंचायत में लगभग अलग अलग पानी के लिए अलग, आंगनबाड़ी के लिए अलग, इस तरह से प्रतिनिधि हैं जी। तो उनके माध्यम से अगर संपर्क हो तो आसानी से वो बता सकते हैं, आसानी से बच्चों को चिन्हित किया जा सकता है और बच्चों को टैकल किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये जैसा कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि बच्चों को चिन्हित करने का ये टास्क जो है सो सबसे पहला टास्क है जी, और इसमें आपने, हमने जो VLPC CPC विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी के बारे में बताया और भी सोर्सेज के बारे में बताया, इसके अलावा जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, इनका भी उपयोग इसमें किया जा रहा है, और अभी हम लोगों ने 27 मई को डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी के अधिकारीगण के साथ, उनके सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, और जिला में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन के साथ हम लोगों ने एक वर्चुअल मीटिंग की है जी। और उस मीटिंग में ये जो समस्या अभी हम लोगों के सामने आई है बहुत विकराल रूप लेकर के, इसके बारे में जितने हम लोग ये स्टेक होल्डर्स हैं इन सबको सेंसिटाइज करने का काम किया, और
इसमें स्वास्थ्य विभाग के भी जो कार्य करता है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी हमारे संज्ञान में आया। तो इस तरह से हम उन बच्चों को पहले आइडेंटिफाई करेंगे। और ये बात मैं बताना चाहता हूँ बहुत बल दे करके कि ये गार्जियनशिप का मामला जो है वो किसी भी अनाथ बच्चे का कोई अपने आप गार्जियन नहीं बन पाएगा। वो गार्जियन बनने के लिए सबसे पहले उस बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास ले जाना होगा, और फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यदि उस बच्चे का कोई गार्जियन है और क्लोज रिलेटिव है या उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बाबा दादी हैं, तो उनके साथ उनको रखने का वो आदेश करेगा, तब वो लीगली एक तरह से गार्जियन बन सकते हैं। यदि उनका कोई इस तरह का नहीं है तब फिर दो तरीका है, या तो कोई नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर के होम में उसको रखा जाए, जैसे कोई परिवार उस तरह के बच्चे को रखने के लिए तैयार हो जाए और उसकी इंक्वायरी करेगी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और सोशल वर्कर के थ्रू से, और उसके रिपोर्ट के आधार पर वो जब संतुष्ट हो जाएंगे कि ये परिवार इसको देखभाल कर सकता है, ये इच्छुक है, जेन्युइन है ये, तब फिर उसको वो फॉस्टर केयर स्कीम जो होती है उसके अंतर्गत सरकार का हर बच्चे पे मैक्सिमम शायद दो या तीन बच्चे पर है ₹2,000 पर मंथ का उसको असिस्टेंस मिलेगा 3 साल तक, और फिर वो रिव्यू भी किया जा सकता है आगे तक के लिए। इसके अलावा जो बच्चे किसी गार्जियन रिलेटिव के पास नहीं रह सकते हैं उनको लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन डिक्लेयर करने का काम भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का है। वो सारी प्रक्रिया करने के पहले वो जो स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी, जिसको कि यहाँ स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी जो है सारा, जो यहाँ के चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत बनाई गई है, वो स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी को ये टास्क दी हुई है कि वो बच्चे का पूरा स्टडी कराएं, उसकी रिपोर्ट बनावें, होम स्टडी रिपोर्ट, और फिर वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से वो परमिशन लेंगे कि इसको लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन डिक्लेयर किया जाए। जब वो CWC उसको डिक्लेयर कर देगा तब फिर उस बच्चे के लिए जो लोग वो के केंद्र सिस्टम है, इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम है जो केंद्र पे बनी हुई है, उसमें कंप्यूटर में सारे इस तरह के बच्चे का डेटा फीड करना पड़ता है, और जो लोग को उसमें अडॉप्ट करना है जिस पेरेंट को, वो वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, और फिर ये बच्चे को वो कंप्यूटर सिस्टम से उनके प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स के सामने उनका पूरा बायोडाटा वगैरह दे दिया जाएगा 3 बच्चे तक का, और 3 में से वो अपना सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चे को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं। जब ये प्रक्रिया हो जाएगी तब उस बच्चे के तरफ से एक दरखास्त पड़ेगा चाइल्ड स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी के तहत, जिसमें हमारा जिला प्राधिकार जो है वो मदद करेगा अपने काउंसिल के लॉयर के थ्रू से, और फैमिली कोर्ट फिर अडॉप्शन ऑर्डर करती है। तो जब फैमिली कोर्ट अडॉप्शन ऑर्डर करेगी उसके बाद ही वो बच्चा लीगली अडॉप्ट होगा उस परिवार के द्वारा। ये बड़ा डिटेल प्रोसीजर है, और अच्छा कि आपने इस पर मेरे से पूछा। आपके यहाँ तो पहले से बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं ऑर्फन बच्चों के लिए, ये नया आपने शिशु लॉन्च किया, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम ये बच्चों के लिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था कर रहे हैं और उनको सरकार देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट ने भी, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग अपना किया है, तो ये दोनों का कन्वर्जन कहें, कोऑर्डिनेशन कहें, ये जरूरी है जी, इसलिए कि मुझे लगता है कि किसी भी लीगल अथॉरिटी के पास अलग से इसका कोई फंड नहीं है कि वो अपने से ये सारा कुछ चला सके, कन्वर्जन और कोऑर्डिनेशन जो है वो हो सकता है। तो ये कैसे है, जो पुराने स्कीम्स हैं जैसे फोस्टर स्कीम के बारे में बताया आपने, और एक स्कीम है, इस तरह कई स्कीम्स हैं और वो चुके, तो अभी ये कैसे जुड़ेगा? एक तो महामारी में अनाथ हुए बच्चे जो अनाथ हो गए, पहले से स्कीम चल रहे हैं जी, इन दोनों को साथ मिलाकर या दोनों को अलग अलग करके कैसे चलाना है, अभी जो आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया उसके लिए? ये प्रोजेक्ट में आप इसमें विस्तार से देखेंगे जी, ये जितनी भी आपने स्कीम्स की बात कही ये सब जो है सो हमारे इनक्लोजर्स में लगी हुई है, केंद्र सरकार की स्कीम हो या राज्य सरकार की स्कीम हो जी, ये जो बच्चा जिस स्कीम के अंतर्गत एंटाइटल्ड हो वो स्कीम के अंतर्गत उसके केस को या उसके क्लेम को लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का काम ये है कि वो उसको प्रोसेस कराए, क्योंकि कागजी कार्रवाई भी काफ़ी होगी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने हो या फैमिली कोर्ट के सामने हो, तो वो एक प्रक्रिया से और जिसकी रिकॉर्ड मेंटेन हो, जिसका फॉर्मेट है कारा गाइडलाइंस जो है केंद्र अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी के तहत, उसमें फॉर्मेट दिया हुआ है कि आप किस बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके लिए कैसे होम स्टडी रिपोर्ट बनेगी, उसका
पेरेंट्स का जो अडॉप्ट करना चाहते हैं उनकी रिपोर्ट कैसे बनेगी, फिर किस फॉर्मेट में वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अपनी इंक्वायरी कराएगी, ये सारी चीज़ की जो है वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी चूँकि लीगली ट्रेन लोगों के हाथ में है, और इसीलिए मैंने कहा कि पार्लियामेंट ने अपने विजडम में ये कार्य जो है सो न्यायपालिका के लोगों को दिया है, क्योंकि इसमें लीगल जो कहें बहुत सारे प्रावधान का बड़ा इंटरप्ले है जिसकी अच्छी समझदारी होनी जरूरी है और कहीं कोई गलत नहीं हो जाए। नहीं, हमारे सवाल इसलिए हैं कि लोग जानेंगे तब तक आप तक पहुंचेंगे, हाँ। या हम जानेंगे तब तो लोगों को बताएंगे। जी जी, इसीलिए थोड़ा सा हम ज़्यादा सिंप्लीफाई करके चीज़ों नहीं, को नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि ये माध्यम से दूरदर्शन के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अनेक अदरवाइज पब्लिसिटी का जो माध्यम है उसके माध्यम से ये चीज़ जो है हम लोग इसको बहुत व्यापक स्तर पे पब्लिसाइज कर रहे हैं और टाइम टू टाइम इसको रिपीट करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये आज लॉन्च हुआ कल के अखबार में आए और ख़त्म हो जाए, फिर 10 दिन 15 दिन के बाद इसको फिर हर जिला के प्राधिकार को हम लोगों कहते हैं कि वहाँ के पेपर में आप निकालिए, ये नंबर दीजिए, इसका व्यापक प्रचार कीजिए, क्योंकि बहुत लोग पहली बार नहीं देख पाते हैं, पता नहीं चलता है, और ये तो कंटिन्यूस प्रक्रिया है। आज कोई बच्चा अनाथ है, 10 दिन के बाद अनफॉर्चुनेटली कोई अनाथ होगा, तो ये काम जो है हमारा एक तरह से 24 घंटे का काम है, और हमारी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में तो 24 आवर्स का हेल्पलाइन बना हुआ है झालसा में कि आप रात में भी फ़ोन करिए, कोई मेडिकल एडवाइस के लिए हो या इसके लिए प्रोजेक्ट शिशु के संदर्भ में हो, तो हमारे ऑफिसर, हमारे पैरा लीगल वॉलेंटियर तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। और मान लीजिए कि वो झालसा के अंतर्गत अभी तुरंत नहीं आ रहा हो, वो सिमडेगा का हो या दुमका का हो, तो वहाँ के जिला प्राधिकार के सेक्रेटरी को तुरंत उनको कहा जाता है कि आप उस जगह देखिए, फलना ब्लॉक में, फलना गांव में, फलना विलेज में ऐसा बच्चा है या ऐसा कोई पीड़ित व्यक्ति है जिसको ये वॉर रूम से या प्रोजेक्ट शिशु में सहायता मिलनी चाहिए। जैसे कि त्वरित सहायता, जो अनाथ हुए इस महामारी में उनको तुरंत पहले भोजन चाहिए जी, फिर स्वास्थ्य की देखभाल की चाहिए, और उसके साथ साथ अभी स्कूल तो खुले हुए नहीं है, उसके साथ आगे की व्यवस्था चाहिए। ये त्वरित व्यवस्था के बारे में वार रूम से क्या किया जा रहा है और कितने बच्चे अब तक चिन्हित कर पाए हैं जिनके लिए व्यवस्था की गई है? ये संख्या हम लोगों ने उस दिन जो 27 मई को हम लोगों ने एक वर्चुअल मीट की राज्य सरकार के चाइल्ड डिपार्टमेंट के और वुमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट के अधिकारी के साथ, उस दिन तक इनके पास 13 ऐसे बच्चों का डिटेल आया था। उस दिन हम लोगों ने काफ़ी सेंसिटाइज किया और सारे जो प्रतिनिधि सब थे डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग, वो सब भी काफ़ी सेंसिटाइज हुए, और ये एक तरह से बड़ा सामूहिक कार्य है। तो ये जिस लेवल पे भी हो, हॉस्पिटल के लेवल पे हो, गांव के लेवल पे हो, ये चिन्हित करने का काम कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हम करते रहेंगे अपने लीगल सर्विसेज, पैरा लीगल वॉलेंटियर इनके माध्यम से, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और ये एक बच्चे जिनको लाभ मिल जाता है, वो लाभ मिलने के बाद वो रुकेगी नहीं, उस बच्चे का फॉलो अप होता रहेगा, जब तक वो 18 साल तक नहीं होता है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा कि ये पढ़ करके अब 9वीं से 10वीं में गया, 11वीं से 12वीं में गया, उसको उस समय अभी क्या ज़रूरत है नहीं है, ये जो उसको असिस्टेंस दिया जा रहा है वो सही सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पूरा हम लोगों ने इसमें अपना एक फॉर्मेट में शेड्यूल बनाया हुआ है कि हर जिला प्राधिकार को उस फॉर्मेट में उस बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा और फॉलो अप करना होगा। तो एक वन टाइम एक बार करके छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। दूसरे की अब कंक्लूड करेंगे हम जी कि इसमें कोई अप्रोच करना चाहे या आप कोई संदेश देना चाहें, अथॉरिटी ये कर रही है, जो चाहे पीड़ित हों वो सीधे संपर्क कर सकते हैं, तो संदेश देना चाहें तब संदेश दे सकते हैं। मेरा ये कहना है कि झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, मतलब राज्य विधिक सेवा प्राधिकार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने झारखंड में विशेष करके बहुत अच्छा काम किया है, और हम लोग उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी जागरूकता आम जन में काफ़ी फैली हुई है ऐसा मेरा मानना है, लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है और इसमें लोगों को जब जैसी ज़रूरत आ रही है, जैसे ये कोरोना के समय में ऐसी ज़रूरत आ रही है, तो ये वॉर रूम के तरफ से या प्रोजेक्ट शिशु के तरफ लॉन्च करके हम लोग और ज़्यादा झालसा का और विधिक सेवा प्राधिकार की जो जिम्मेवारी है इसके प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं और करते रहेंगे,
ताकि हमारे राज्य के जितने भी लोग इसके अंतर्गत लाभ ले सकते हैं वो कोई नहीं छूटे, क्योंकि हम किसी के प्रति भेदभाव रखने वाले नहीं हैं और हमारी संस्था जो है सो बिल्कुल पायस वे में, बिल्कुल नेक तरीके से सब चीज़ नियम के हिसाब से करके लोगों तक पहुंच करके, उनके घर के दरवाजे तक पहुंच करके ये सुविधा देगी और देती रह रही है, यही मेरा सबको आश्वासन है। और ये दूरदर्शन के माध्यम से ये प्रचार अच्छे से लोगों तक हो, ये मेरी शुभकामना है। आप लोग को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उसके लिए। इस महामारी में सरकारों के अलावा जुडिशरी सर्विस भी जिस ढंग से मदद देने को तत्पर है, तो मदद के लिए प्यासे को तो कुएं के पास जाना ही पड़ता है। आप जिस माध्यम से जाइए, अब यह आपकी ड्यूटी है। जो सुन रहे हैं, जो पीड़ित नहीं भी हैं सुन रहे हैं, उनके आसपास में अगर कोई पीड़ित है जिसके बारे में वो जानते हैं, उनको बताएं या उनको वहां तक पहुंचाएं। ये अगर आप करेंगे तो जितने स्कीम्स मिल रहे हैं उस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा, और ये बच्चे जो अनाथ हो गए हैं वो कल को बंदूक नहीं उठाएंगे, कल को अपराधी नहीं बनेंगे, कल को बेकार नहीं घूमेंगे, कल को आवारापन ही नहीं करेंगे, बल्कि वो एक सभ्य समाज में सभ्य ढंग से जिएंगे। हमारे साथ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह जी थे, स्वागत है आपका, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।